साड़ी मिली है, बाल्टी मिली है, डब्बा मिला है, कैलेंडर मिला, लैया मिली। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितनी खुशी है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ बच्चों, एक मिनट, क्या मिला है आपको आज? कॉपी मिली है? हाँ, क्या मिला बताइए? कॉपी मिली है, चप्पल मिला है, पेन नहीं मिला है। पेन अभी मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। उन्नाव जिले का ये भूल भुलिया खेड़ा गाँव है। यहाँ पर संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम कानपुर से बापू जी के जो भक्त साधक हैं, हर वर्ष इस तरह का दीपावली भंडारा करते हैं, और उसी निमित्त आज यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को चयनित किया गया और उनको ज़रूरतमंद सामान, जो भी दीपावली के पूजन सामग्री है, वस्त्र है, बर्तन है, ये सब इनको यहाँ पर बांटा गया है। और ये मैं कहना चाहूँगा, जो मतलब आज फिल्में बना रहे हैं आश्रमों के ऊपर और इस तरह की जो विकृत करके दिखाते हैं, उनको देखना चाहिए कि आश्रमों की तरफ से इतनी सत प्रवृत्तियाँ यहाँ पर संचालित हो रही हैं। आज भी पूज्य बापू जी की तरफ से इतने सारे भंडारे, आज करीब 300 परिवारों को सामग्री वितरण की गई। तो ये चीज़ मीडिया वालों को देखना चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए कि किस तरह से जो आश्रम है वो हमारे समाज में सत प्रवृत्तियाँ संचालित कर रहे हैं। दिवाली ऐसी मनाएंगे हम भी, जिन दुखियों को संवारेंगे हम भी। दिवाली ऐसी मनाएंगे हम भी, रोते हुए को हंसाएंगे हम भी। जहाँ में फर और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, संत तो माफ कर देते हैं। अगर संत के शरण में आप सभी लोग आ जाएंगे तो आपका हित के साथ साथ हमारे विश्व का हित होगा, हमारे समाज का हित होगा, और हम सब अपने आत्मज्ञान के रास्ते के जो मार्गदर्शक हमारे बाबूजी बने हुए हैं, उनकी सत्प्रेरणा से हम आत्मज्ञान पे आकर हम अपने आप को मुक्त और समाज के हित में कार्य करते हुए, सबको सत्प्रेरणा देते हुए, सबका मंगल की भावना रखते हुए कार्य करते रहेंगे। ये सारे सेवा कार्य हमारे पूज्य बापूजी के द्वारा दिए गए संस्कारों से ही। हमारे बापूजी ने हम सभी को यही शिक्षा दी है, समाज को शिक्षा दी है कि सभी के साथ हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्नता हमारे हृदय में अपने आप छलकती है, और अगर कोई दुखी है तो उनके दुख को देख करके हमारे हृदय में अपने आप पीड़ा होनी चाहिए, ऐसा बापूजी ने दिया है। ऐसे ही संतों के आशीर्वाद से ऐसे दीपोत्सव और समाज में कई खुशियां भंडारे चलते रहते हैं, दिन प्रतिदिन शुभ कार्य होते रहते हैं, सत्कार होते हैं। ऐसे संतों को, समाज को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहिए, हमारी सरकार को भी साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो गौरव है वो अगर हमने कहीं संतों के शरण में पाया है तो बापूजी के शरण में ही पाया है। हकीकत में जो हमारा भारत जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधानुकरण होकर के डूबा जा रहा था, यहाँ तक कि मैं अपनी और अपने भाइयों की भी क्या बताऊँ, वो भी जो है मदमस्त से इस रंगीन दुनिया में अपनी खुशियाँ बटोरना चाहते थे, जैसे हमें माता पिता और बड़े आसपास का माहौल शिक्षा देता है कि किसी तरह भी हम MBA करें, MCA करें, शिक्षा पाएँ, और उसका अंत क्या है? उसका सिर्फ एक ही शिक्षा पाते हैं कि बड़ा आदमी बनना। बड़ा आदमी भी का हमें परिभाषा सिखाई गई हमारे घरों से, हमारे समाज से, कि जिसके पास बहुत धन है वो ही बड़ा आदमी है। लेकिन हमारे बापू जी ने हमें सिखाया, बड़ा आदमी तो वो है जो दूसरों को खुशियाँ बांट करके सर्वप्रसन्न आनंद में, मंगल में, आत्मचित्त की ओर ईश्वर प्राप्ति करता है, वो बड़ा आदमी है। ऐसे संतों को जो है मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ी पीड़ा होती है, हमारे समाज बड़ा वंचित है ऐसे संतों के। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत अगर जेल में, धरती पे अंबर आ जाए, विपदा की काली घटा छाए, कर दे कोई लाख सितम हम पे, बापू से जुदा ना कर पाए। विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में, विश्वास हमारा अटल रहेगा सतगुरु के ही चरणों में। श्रद्धा किसी की मोहताज नहीं, कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं, छूटे भी आखिरी सांस यही, बिन तेरे जीना रास नहीं।
सच तो सच ही होता है, झूठ का पलड़ा कितना बड़ा हो सच ही भारी पड़ता है। इतिहास में संसार में हर जंग में सत्य ही जीता है। सतगुरु के ही चरणों में।